हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11th का टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 2 का। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी मालिकाना हक के अधिकार पर कौन मालिक होगा, इसके बेसिस पर हमारे बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड जॉइंट इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस बेटा उस बिजनेस को कहा जाता है जिससे गवर्नमेंट रन करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट इंटरप्राइजेस उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी कर सकते हैं और कोई सिंगल पर्सन भी रन कर सकता है, मतलब मालिक होगा बिजनेस का। जॉइंट इंटरप्राइजेस से मतलब है बेटा दोनों मिलकर के रन करेंगे, गवर्नमेंट का भी अधिकार होगा उस बिजनेस पर और प्राइवेट यानी कि जनरल पब्लिक का भी अधिकार होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस कितने फॉर्म के होते हैं। ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस बेटा 5 फॉर्म्स के होते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, को कॉरपोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है बेटा जिसमें एक सिंगल पर्सन ही उस बिजनेस का मालिक भी होता है, वही सिंगल पर्सन उस बिजनेस को मैनेज करता है, इट मीन्स वो उस बिजनेस को रन करता है, उस बिजनेस के सारे डिसीजन वही लेता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, उस बिजनेस को पूरी तरीके से चलाता है। जिस बिजनेस को एक सिंगल पर्सन चलाता है ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, ठीक है, और जो पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है डैट इज नॉन एज अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कैसे फीचर्स होते हैं? सबसे पहला बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर होता है यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चला रहा होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का इम्पैक्ट क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से जो सोल प्रोप्राइटर होगा उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी भी डेट्स को पे करने में सोल्ड आउट हो जाएगी, बिक जाएगी, यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है। सेकेंड, अरेंजमेंट फॉर द कैपिटल हिमसेल्फ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं वो अपने कैपिटल खुद ही अरेंज करते हैं, यानी बिजनेस के लिए पैसे वो खुद ही अरेंज करके लगाते हैं। हाँ, वो बाहर से डेट्स वगैरह ले सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, पर वो उनकी लाइबिलिटी होगी, वो बाहर से कंपनी की तरह शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करके पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। शेयर फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो हिमसेल्फ, अगर वो कैपिटल खुद लगाएंगे, सारे पैसे बिजनेस में खुद लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस के प्रॉफिट भी वही लेंगे और लॉस को भी वही रीपे करेंगे। डिसीजन सारे के सारे सोल प्रोप्राइटर खुद लेता है, क्योंकि कैपिटल खुद लगाया है, प्रॉफिट खुद ही लेगा, लॉस सारे के सारे पे करेगा तो डिसीजन भी खुद ही लेगा, ठीक है बेटा। इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं उनमें लिमिटेड कैपिटल लगी होती है, कम कैपिटल लगी होती है, तो कम कैपिटल की वजह से इस तरीके के बिजनेस का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, कम लोग ही काम कर रहे होते हैं और उन लोगों को हैंडल करना सोल प्रोप्राइटर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, पर्सनल कंट्रोल रहता है सोल प्रोप्राइटर का एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, इजी टू बीइंग एनी चेंज, ठीक है, इट इज ईजी टू बींग एनी चेंज, किसी भी तरीके का चेंज लाने के लिए इस बिजनेस में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बेटा साइज बहुत छोटा होता है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, और साइज बहुत छोटा है तो आप स्टार्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत छोटा है और सोल प्रोप्राइटर का खुद का कंट्रोल है तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, बिजनेस के सारे राज सोल प्रोप्राइटर के पास ही रहेंगे। अब डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस तरीके का बिजनेस ओपन करना बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन किए अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप प्रॉफिट को उठा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर सारे के सारे प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, तो इसीलिए वो बिजनेस के लिए बहुत मेहनत करता है और अपना बेस्ट देता है।
डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है बेटा, क्योंकि किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सोल प्रोप्राइटर को, वो अकेले ही डिसीजन लेगा। फ्लेक्सिबल है बिजनेस बेटा, क्योंकि छोटे साइज का है और किसी भी तरीके का चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ऑन द अदर हैंड, डिसएडवांटेज, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक अकेला इंसान बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता, ठीक है। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, एक अकेले इंसान के पास सारे क्वालिटीज़ नहीं होंगे बिजनेस को संभालने के, तो अगर वो प्रोडक्शन फील्ड में अच्छा है तो हो सकता है वो सेलिंग फील्ड में अच्छा ना हो, तो बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। लैक ऑफ कंटिन्यूटी बेटा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटर का, कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, इसलिए इस बिजनेस का लाइफ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, छोटे समय के लिए होता है, ठीक है। सुटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द सुटेबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस। तो बेटा, जब आपको पैसों की कम रिक्वायरमेंट हो, यानी आप कम कैपिटल लगा के एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। जब आपको जल्दी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना खुद का पूरा कंट्रोल रखना है और सीक्रेसी भी मेंटेन रखनी है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जाएंगे। अब फटाफट से एक कंक्लूजन देख ले बेटा इस बिजनेस का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला पर्सन जो होता है वो बिजनेस को कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है। इसीलिए बिजनेस को स्टार्ट करना तो बहुत इजी है, लेकिन उसे एक्सपेंड करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बिजनेस में सारा का सारा कैपिटल जो है वो सोल प्रोप्राइटर ही लगाएगा, और इस तरीके के बिजनेस को बाहर से बोरोइंग्स वगैरह भी मिलना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। जो बैंक वगैरह होते हैं वो इस तरीके के बिजनेस को जल्दी लोन देना पसंद नहीं करते, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।